नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच बुक ऑफ द डे में एक ऐसी पत्रिका को लेकर आई हूँ जो कि आप सभी युवाओं को रोजगार संपन्न बनाने में वरदान साबित होगा। जी हाँ साथियों, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी पत्रिका के संबंध में चर्चा करने वाली हूँ जो आप सभी युवाओं को आत्मनिर्भर, रोजगार संपन्न और आप सभी को एक सशक्त देश के निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी हाँ साथियों, और वह पत्रिका है एक मासिक पत्रिका, अवस पत्रिका का नाम है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसी पत्रिका है जो एक माह में जो सारी घटनाएं हुई रहती हैं समसामयिक, उससे रिलेटेड सभी सूचनाएं आप सभी तक बहुत ही सरल शब्दों में उपलब्ध कराता है। यदि आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप करेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जी हाँ साथियों, यदि आप प्रतियोगिता दर्पण को नियमित रूप से पढ़ते हैं तो अवश्य ही आप करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हैं वह आप गलत नहीं करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण की एक खास बात है कि प्रतियोगिता दर्पण का जो हेडिंग होता है हर मुद्दे से संबंधित वह अल्टीमेट होता है, उस हेडिंग में ही वह सारे तथ्यों को समायोजित कर देता है। और खास बात है कि इससे बाहर क्वेश्चन लगभग नाम मात्र के आते हैं। यदि आप प्रतियोगिता दर्पण का अवलोकन करेंगे और पूर्व के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका जो विश्वास है वाकई स्थापित होगा कि हाँ, कि प्रतियोगिता दर्पण से अधिकांश करंट के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आपको यह भी बताना है कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने का एक तरीका होता है, आप प्रतियोगिता दर्पण जब लेते हैं तो आपका सारा वह पत्रिका नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप प्रतियोगिता दर्पण करंट के पर्पस से अपने घर लाते हैं और उसको स्टडी करते हैं ताकि आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सके। तो आप सभी को इसके रहस्य के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण कैसे हम पढ़ें। आज मैं आपको इस बुक ऑफ द डे में प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ने का रहस्य बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और संचिका जो होता है उसका आप गहन अध्ययन करेंगे, और जो बाकी पोर्शन होते हैं उन्हें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय पर किया गया काम ही उत्तम होता है। अनावश्यक पढ़ने से अच्छा है कि आप आवश्यक तथ्यों पर अपना फोकस डालिए। प्रतियोगिता दर्पण का जब आप राष्ट्रीय पढ़ते हैं तो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप पहले राउंड में ही टिक लगाएंगे, ताकि जब दूसरा राउंड क्लियर करें तो जो नया फैक्ट है उस पर आप कवरअप करें, और जो भी तथ्य होते हैं उनको आप साइड में लिखते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम करंट पर कवर करेंगे। अब प्रतियोगिता दर्पण का मुश्किल से मुश्किल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और संक्षिप्तिका जो होती है जिसमें नियुक्ति और पदच्युति आदि जो होते हैं उनको आप पढ़ते हैं वही आपके लिए पर्याप्त होता है। और जो बाद में जो दे दिया रहता है कि इन इन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन मॉडल्स वगैरह या कुछ और या विशेषांक वगैरह, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन यदि आप करंट के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए प्रारंभिक जो पेजेस होते हैं 30 से 35 पेज तक वही पर्याप्त होते हैं। अब मेरे अंदाज से यदि आप ये फार्मूला अपनाएं कि जब आप प्रतियोगिता दर्पण मार्केट से ले तो आप लेने के साथ ही उसको पढ़ डालें। टारगेट बनाइए कि आप प्रतियोगिता दर्पण खरीदने के साथ ही उसको आरंभिक 3 से 4 घंटे में प्रथम रिवीजन दे देंगे, और हर वीकेंड पर इस पत्रिका का आप पुनराभ्यास करेंगे। इससे क्या होगा कि करेंट का क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं होगा, और निश्चित रूप से आप कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षा में आप शामिल होने वाले हैं
उसमें आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चन कभी टफ महसूस नहीं होगा। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आज के इस क्लास के माध्यम से आप अवश्य ही करंट पे अपने फोकस को अवश्य ही अपनाएंगे, और जरूर एक बार यदि आप प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो एक बार अवश्य इस पत्रिका को देखेंगे, इसकी सामग्री को देखेंगे कि क्यों यह उपयोगी है। और इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ कि आप अवश्य ही इस बुक ऑफ द डे में बताए गए पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण का अवश्य अध्ययन करेंगे, मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।